22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट की। बता दें कि बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से खराब एम्बुलेंस को बार बार सही कराकर प्रयोग में लाया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था और एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की। एम्बुलेंस को यशपाल आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले गंभीर घायल मरीजों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की कमी थी, जिससे लोगों को अधिक पैसा खर्च कर प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा था। सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, जिसका अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज 22 इंडिया के लिए एफयू खान की रिपोर्ट। एक यहाँ पर जरूरत थी एक एम्बुलेंस की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यहाँ की जनता है उनको असुविधा होती थी। गंभीर रोगी को बाहर ले जाने के लिए अन्य अस्पतालों में या जनपद से बाहर उनको ले जाने में निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाई होती थी उन लोगों को, जो रोगी हैं, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अन्यत्र ले आना पड़ता था। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसके लिए हमने आज एक एम्बुलेंस यहाँ पर दी है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि उस एम्बुलेंस का बेहतर इस्तेमाल यहाँ के आवाम के लिए, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो गंभीर रूप से पीड़ित, गंभीर रूप से बीमार हैं, या जो जिनका उपचार यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, वो अपने पेशेंट को, अपने रोगी को बाहर ले जाना चाहते हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अन्यत्र अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर सुविधा होगी। जो जरूरत होती है उनकी सारा यहाँ पर इंतजाम इस एम्बुलेंस के अंदर है। डॉक्टर्स को यहाँ के जो हमारे एमएस हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि एक शुरुआत हमने की है, उसका बेहतर परिणाम हमें दिखाई देंगे। निश्चित रूप से भी मैंने डीजी हेल्थ से, महानिदेशक स्वास्थ्य से बात की है और मैंने उन्हें कहा भी है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी कहा है कि हमारे काशीपुर में अगर डॉक्टर्स हैं, जैसे इन्होंने कहा है, हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर हो सकती है फिलहाल कुछ समय के लिए। तो मैंने डीजी हेल्थ से कहा है, अनुरोध किया है, उन्होंने कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था ही तो करेंगे, यहाँ पर के लिए हम डॉक्टर्स की, जैसे ही हमारे पास डॉक्टर्स होंगे हम निश्चित रूप से यहाँ पर इसी जनपद के डॉक्टर्स को यहाँ पर हम पोस्टिंग देंगे, तैनाती देंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।